नमस्कार दोस्तों जिला स्तर पे जो है बहुत सारी भर्तियां अभी निकल के आ रही है और उसी क्रम में जो है एक और बहुत ही शानदार भर्ती यहाँ पे निकल के आई हुई है जो कि आप लोग का अलग अलग जिलों में यहाँ पे निकल के आया हुआ है और इसमें जो आप लोग का पद रहने वाला है दोस्तों वो आप लोग यहाँ पे नाइट गार्ड का पोस्ट रहने वाला है यानी कि एक तरीके से चौकीदार का आप लोग का पद रहने वाला है साथ में यहाँ पे कुक यानी कि रसोईया का पद आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और भी यहाँ पे काउंसलर का पद है एडुकेटर का पद है और भी बहुत सारा जो पोस्ट है उस पर आप लोग यहाँ पे बहाली होने वाला है बिहार के जिला बाल संरक्षण इकाई में जो है आप लोग यहाँ पे बहाली निकल के आया हुआ है और फिलहाल जो है दो जिलों में आप लोग का जो वैकेंसी है वहां पे निकल के आया हुआ है और बहुत सारे पदों पे आप लोग का जो बहाली है वहाँ पे निकल के आया हुआ है जिसमें कि अगर आप जो सिर्फ दसवीं बारहवीं पास है तो भी आपके लिए शानदार मौका होने वाला है और अगर आपके पास जो ज्यादा क्वालिफिकेशन है मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर कोई और डिग्री आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा तो आप सभी के लिए जो है शानदार मौका होने वाला है तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखेगा मैं आप लोग को जो है इस बहाली के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहां से क्लिक करके आप जरूर वहां ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको हर एक अपडेट जो है वो सबसे पहले मिल सके और साथ में जो भी आप लोग का पेपर कटिंग होता है जो भी आप लोग का नोटिस होता है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है तो जरूर आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में जो है ज्वाइन हो जाइए चलिए मैं आप लोग पे दिखाता हूँ किस तरीके से बहाली निकल के आया हुआ है कौन कौन सा पद रहने वाला है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है सब कुछ मैं आप लोग को जो है डिटेल में दिखा देता हूं you um. तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है आपको जो अपने गूगल में जाना है गूगल में जाकर आप लोग को लिखना है वाई टी डी सी यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट है और यहाँ पे आप लोग को ऊपर में ही वेबसाइट देखने को मिल जाएगा इस पे आपको जो क्लिक करना है यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा अब आप लोग को नीचे आना है यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन है सरकारी योजना का ऑप्शन है और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन है लेटेस्ट जॉब में आप चेक कीजिएगा तो यहाँ पे दो पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा एक आप लोग को बिहार जिला बाल संरक्षण भर्ती दो मुजफ्फरपुर और एक जो है आप लोग यहाँ पे जम्मुई जिला का पे देखने को मिलेगा तो इन दोनों जिलों में आप लोग का जो बहाली है वहां पे निकल के आया हुआ है मान लीजिए पहले मुजफ्फरपुर वाला यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो इसको हम पे ओपन कर देते हैं और उसके बाद जो है जमुई वाला ऑप्शन है तो जमुई वाला भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से पोस्ट आप लोग यहाँ पे ओपन हो जाएगा दोनों जिले का अब इसका जो लिंक है वो मैं आप लोग को डायरेक्टली जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर कॉमेंट में दे दूंगा तो वहां से क्लिक करके आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर में आप लोग का बारह अलग अलग तरीके का जो पद है उस पर यहाँ पे बहाली निकाला गया है यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो पूरा जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप चाहे तो इसको पढ़ सकते

तो अप्लाई कर पाइएगा और अगर आप नर्स में जो है इंटरमीडिएट डिप्लोमा नर्सिंग में किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा और यहाँ पे एज लिमिट आप का बताया गया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आप को देखने को मिल जाएगा इसका भी आवेदन का प्रक्रिया जो है लगभग सेम रहने वाला है है आप आप नीचे आइएगा तो तो देखिए पे पे आवेदन का का प्रक्रिया बताया गया जो फॉर्म है वो फॉर्म डाउनलोड करना होगा अपना जो फॉर्म है उसको भरना है साथ में बायोडाटा लगाना है अपना जो भी यहाँ पे मेट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो सब आप लोग यहाँ पे लगाना है एक पीडीएफ आप लोग बना लेना है फिर यहाँ पे आप लोगों का जो ईमेल आई दिया हुआ है इस ईमल आई पे आपको सेंड कर देना है आप लोग पे आवेदन हो जाएगा तो ये जो है पूरा प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे रहने वाला है और दो जो है अलग अलग आप लोग पे जो बहाली है वहां पे निकल के आया हुआ है मैंने आप लोग पे जानकारी दे दिया है तो अगर आप जो है इन दोनों बहाली में आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से क्लिक करके आप जो है इस पोस्ट पे आ जाइएगा यहाँ पे आप लोग को जानकारी भी मिल जाएगा साथ में आप लोग का जो फॉर्म है वो फॉर्म भी आप लोग को मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग जो आवेदन है वहां पर पाइएगा तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों की किस तरीके से आप लोग का बहाली आया हुआ है कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है सब कुछ मैंने आप लोग को जो यहाँ पे बता दिया है आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर जरूर चैनल को। साथ ही सेलेक्ट इस वीडियो को ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।